जिला प्रशासन, नगर निगम और दैनिक जागरण के संयुक्त तत्वावधान में स्वच्छ भारत मिशन को लेकर एक पतंग महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पीटी जैन कॉलेज प्रांगण में आयोजित इस पतंग महोत्सव कार्यक्रम में जिला प्रशासन और दैनिक जागरण की टीम ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। जिला प्रशासन, नगर निगम और दैनिक जागरण के संयुक्त तत्वाधान में आज एक पतंग महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन पीटी जैन कॉलेज मैदान में किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोगों को स्वच्छता की जानकारी दी जाए और पतंग के माध्यम से लोगों को एक संदेश भी देने का कार्य किया गया कि स्वच्छता हमारे जीवन में अति आवश्यक है। पतंग उत्सव कार्यक्रम में जिलाधिकारी नेहा शर्मा, SSP डॉक्टर मनोज कुमार, नगर निगम की महिला मेयर नूतन राठौर के सहित तमाम जिले और प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस अधिकारियों में SP सिटी, CO सिटी और संबंधित थाना अध्यक्ष भी इस अवसर पर मौजूद रहे। सभी ने आयोजकों के साथ मिलकर पतंग उड़ाई और लोगों से स्वच्छ भारत मिशन के तहत सहयोग प्रदान करने की भी अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्ष न्यूज, फिरोजाबाद। जहां रोज ही दंगा रहता है, जहां रोज रोज अखबारों में स्कैमों का पंगा रहता है, जहां आम आदमी सड़कों पे आधा सा नंगा रहता है, इस हाल में भी, इस दौर में भी हर दिल में तिरंगा रहता है। जिला प्रशासन, नगर निगम और दैनिक जागरण के सहयोग से आयोजित पतंग महोत्सव कार्यक्रम में युवाओं ने, वृद्धों ने, बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। खास मकसद यही है कि पतंग के माध्यम से लोगों को स्वच्छ भारत का संदेश दिया जाए। इसी के तहत ब्रांड एम्बेसडर स्वच्छ भारत के मौजूद हैं। हेमंत जी, किस तरह का आयोजन है, क्या मैसेज देने का प्रयास किया है आज? ये दैनिक जागरण, नगर निगम, जिला प्रशासन द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया है जिसमें स्वच्छता को लेके पतंग का उड़ाने का आयोजन किया गया है कि एक पतंग स्वच्छता की ओर जाए और लोगों को जगह जगह संदेश दे कि हमें अपनी जगह जगह सफाई रखनी चाहिए और जहाँ भी बाची जी साथ हैं। बाची जी, पतंग उड़ाई आपने, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहती हैं आप? जो आपको मकर संक्रांति की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। बच्चे भी इस उत्साह के साथ इस महोत्सव में शामिल हुए हैं। युवाओं के साथ साथ सामाजिक संगठनों के लोग और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोग भी मौजूद हैं। सर बताएं। बहुत ही सुंदर आयोजन और ये एक संदेश देता हुआ, संदेश का प्रतीक आज जिस तरीके से पतंग महोत्सव मनाया गया, वाकई एक अनूठा संदेश है कि ये जाड़े का विदाई है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन है। ये आज मन प्रफुल्लित करने वाला, दिल के लड्डू बांटने वाला त्यौहार आज पूरे जोश खरोश के साथ मनाया गया। साफ तौर पर युवाओं में, वृद्धों में, चाहे एक विशेष वर्ग के लोगों, सब में उत्साह है। पतंग महोत्सव के माध्यम से लोग स्वच्छ भारत मिशन का संदेश भी ले चुके हैं। जागरण और नगर निगम के द्वारा बहुत ही अच्छा, पहली बार हमारे जनपद फिरोजाबाद में ऐसा पतंग का उत्सव महोत्सव किया गया है जो कि जिसमें सभी संस्थाओं और सभी स्कूलों और सभी ने NCC के कैडेट्स वगैरह सभी ने पार्टिसिपेट किया है और सभी अधिकारियों ने, शासन प्रशासन सभी लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है और पतंग का लुत्फ़ लिया है। ये बहुत ही बड़ा आयोजन था।
एक जनपद के लिए और पहली बार ऐसा मकर संक्रांति में सभी जनपद वासियों को शुभकामना देते हुए आशा करता हूँ कि दैनिक जागरण आगे भी ऐसी प्रोग्राम। देखिए, दैनिक जागरण ने हर बार की तरह इस बार फिर सामाजिक सरोकार के काम की करता है दैनिक जागरण। ये पतंग उत्सव का आयोजन था, मकर संक्रांति पे हमने पतंग उत्सव का आयोजन किया था ताकि लोग पतंग उड़ाएं और एक त्यौहार को एंजॉय करें, इस तनावपूर्ण माहौल से बाहर निकलें, परंपराएं स्थापित हों। और इसमें स्वच्छता का संकल्प भी था, स्वच्छ भारत अभियान को जोड़ा था, नगर निगम और जिला प्रशासन हमारे साथ था, लोगों ने भरपूर एंजॉय किया है, सबको पतंग उड़ाने की व्यवस्था थी। स्वच्छ रहे देश, स्वच्छ रहे शहर, इसी कल के साथ ये आयोजन हम लोग कराते हैं। फिरोजाबाद में जिला प्रशासन और नगर निगम ने संयुक्त रूप से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग महोत्सव। पतंग के माध्यम से लोगों को स्वच्छता की संदेश देने का कार्य प्रशासन ने किया है, जिसमें नगर निगम की मेयर नूतन राठौर, जिलाधिकारी नेहा शर्मा जी मौजूद हैं। मैम, किस तरह का आयोजन है, क्या इससे एक मैसेज देने का प्रयास किया? आज ये जो आयोजन हुआ है PDJN इंटर कॉलेज के ग्राउंड में फिरोजाबाद जनपद में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर पतंगबाजी, पतंग उड़ाने के कार्यक्रम के साथ साथ एक संकल्प और एक संदेश देने का प्रयास किया गया है कि हमें स्वच्छ भारत मिशन की मुहिम को कितना आगे लेके जाना है, उसमें जन सहभागिता बढ़ानी है। और एक अच्छा आयोजन है, हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मेरी तरफ से सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। स्वच्छता मिशन के तहत ये कार्यक्रम आयोजन है, मेयर नगर निगम की मेयर हैं, अभी निर्वाचित हुई हैं नूतन जी, किस तरह का पहला ये सोच है, क्या इसके माध्यम से आप मैसेज देना चाहती हैं? जैसा कि आज मकर संक्रांति का दिन है, आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में ही नगर निगम फिरोजाबाद और जिला प्रशासन और दैनिक जागरण के माध्यम से इस कार्यक्रम का, भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें खास करके अभी पतंगबाजी का आयोजन हुआ है और इसके साथ हम एक मैसेज और देना चाहते हैं अपने शहर की जनता को कि एक संकल्प लें, स्वच्छता अभियान है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया है, स्वच्छता मिशन, उसको सफलता की प्रथम श्रेणी तक लेकर जाना है। आज PDJN कॉलेज में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, यहाँ पर उपस्थित फिरोजाबाद शहर के कोने कोने से लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और सभी को एक मैसेज दिया जा रहा है कि जो अभी मुहिम छिड़ा है हमारे शहर में स्वच्छता मिशन, उसको उसमें सहभागिता दिखाएं और उसको चरम सीमा तक लेकर जाएं। जी बिल्कुल, उड़ाई बहुत अच्छा लगा, बचपन में कभी उड़ाई थी, आज भी उड़ाई, अच्छा लगा। साफ तौर पर स्वच्छता मिशन को लेकर यह